she all about the cloud. Real imposter, lost the shit. हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से लगा सकते हो सुपर स्मूथ अल्ट्रा स्मूथ स्लो मोशन, वो भी अपने लो डिवाइस में। ठीक है, एकदम सुपर एकदम अल्ट्रा स्मूथ रहेगा, बिल्कुल स्मूथ जैसे कि आपने देखा है प्रीव्यू के अंदर, वैसा ही आपको सिखाऊंगा और वो भी बिल्कुल लो डिवाइस में, क्योंकि मेरा डिवाइस भी बिल्कुल 3GB रैम का। भाई 3GB रैम का समझ रहे हो ना, 3GB रैम के अंदर फ्री फायर एडिटिंग ये सब कैसे करता हूँ। तो ये एक ऐप है, छोटा सा ऐप नाम है वो, उसको तो बताता हूँ आपको कैसे कुछ करना है, तो किस तरह से वीडियो एडिट करनी है। ठीक है, और ये जो ग्लो इफेक्ट है ना, इसकी मैंने ग्लो कैसे लगाते हैं ये मैंने यहाँ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ बताया है कि आप स्लो मोशन कैसे लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ग्लो भी लगाना सीखना है, ठीक है, जैसे मैंने ग्लो लगाया था वैसा ग्लो लगाना अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसकी भी ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि आप ग्लो कैसे लगा सकते हो। और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो जाकर देख लो। समझना है तो भाई कमेंट कर दो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा ग्लो वाली। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करके आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और 30x4 का रेशो सेलेक्ट करना। ठीक है, ये है ना 30x4 का रेशो, मैं दिखाता हूँ ये वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला रेशो, और यहाँ पर रेशो सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ पर अपना गेम प्ले, यहाँ पर आपको अपना गेम प्ले जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं अपना गेम प्ले ढूंढता हूँ और उसी गेम प्ले के अंदर जो हेडशॉट मारा था वो ढूंढ के फिर सिर्फ हेडशॉट की क्लिप रखूँगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना गेम प्ले ढूंढ लिया है, अब इसके अंदर मैं अपनी हेडशॉट की जो क्लिप है वो ढूंढ लेता हूँ। तो ये यहीं पर वो जगह है जहाँ पर मैंने हेडशॉट मारा था, तो मैं यहाँ पर आके फिर ये कट का जो ऑप्शन है यहाँ से वीडियो को पीछे से कट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हेडशॉट मारा, तो यहाँ से मैं वीडियो को पीछे से कट कर लूँगा। और उसी के साथ आपको एक काम और करना है, पहले आगे से कट करूँगा और उसके बाद पीछे से कट करूँगा, क्योंकि आगे का भी तो हटाना पड़ेगा ना। और यहाँ पर एक काम आपको ये करना है कि इसकी जो है ना वॉल्यूम वीडियो की वो आपको बिल्कुल जीरो कर देनी। ठीक है, मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा, लेकिन आप अभी कर देना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वीडियो के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ढूंढता हूँ कहाँ पर हेडशॉट मारने के बाद का जो पोर्शन है वहीं से मैं पीछे से कट करूँगा। तो यहाँ से मैं पीछे से कट कर देता हूँ, यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर जहाँ पर हेड लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हेड लग रहा है, देखो हेड कट बाद में करेंगे, पहले इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को थोड़ा जूम कर लेंगे, क्योंकि और यहाँ पर आपको इजिकल टू के ऊपर क्लिक करना है जिससे कि हमारा जो वीडियो है वो दोनों तरफ से जूम हो। ठीक है, वरना यहाँ आगे से जूम जाएगी पीछे जूम होगी नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करके हमें इस वीडियो को पूरी तरह जूम कर लेना है, जितना हमें चाहिए उतना ही जूम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, देखो इस तरह से आपको जूम करना है और राइट करना है। ठीक है, तो ये राइट कर दिया, अब आपको जहाँ पर आपने हेड मारा, ठीक है, जहाँ पर फिक्स आपने हेड मारा है ना वहीं जाना है। ठीक है, जैसे भी मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो ये ज़रा मैं करता हूँ। और अभी जो संडे को मैंने कस्टम बनाया था तो उसमें कोई खेलने के लिए आया नहीं, तो उस बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहो। और एक और कस्टम बनाऊँगा तो उसकी भी जानकारी लास्ट में दूँगा वीडियो के, तो वीडियो क्लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो क्लास्ट तक। और अब मैं दिखाता हूँ किस तरह से एडिट करना है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जहाँ पर हेड लग रहा है। ठीक है, थोड़ा और पीछे थोड़ा और आगे, यार एग्जैक्ट जहाँ हेड लगता है वही करना है। तो मैं यहाँ से पीछे से कट कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ हेड की रखनी है, वो नॉक होने के बाद भी मैंने थोड़े शॉर्ट मार देते इसको, तो उसको कट करना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हेड की रखूँगा मैं, और जहाँ पर फिक्स हेड पड़ता है ना जहाँ पर मेरा हेड लगता है वहीं पर, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा ग्लो लगाने के लिए एडजस्टमेंट में आके सेचुरेशन जो है ना सेचुरेशन उसको बिल्कुल फुल कर देंगे। ठीक है, एकदम फुल कर देंगे सेचुरेशन को, ताकि हमारा जो ग्लो है वो एकदम अच्छा से लग जाए। और जो अल्ट्रा ग्लो है वो उसकी वीडियो में बाद में बना दूंगा, और आप कमेंट करो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और देखो मेरे यहाँ पर हेड लग रहा है फिक्स यहाँ पर, तो यहाँ से मैं वीडियो को कट कर दूँगा, बीच से तोड़ दूँगा। ठीक है, काटूँगा नहीं पूरी को, बीच में से तोड़ दूँगा, यहाँ से सीजर के ऊपर क्लिक करूँगा और वीडियो को बीच से कट करूँगा स्प्लिट एंड प्लेट के ऊपर क्लिक करके। और फिर जहाँ पर हेड लगने के बाद फिक्स हेड लगने के बाद जो हमारा पोर्शन है ना जो पोजीशन हमारी वहाँ पर आके फिर इस वीडियो के टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो रुको ज़रा थोड़ा पीछे हाँ ये जगह सही है, यहाँ पर आके सीजर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी हम स्प्लिट एंड प्लेट कर देंगे और ये हमारा हो गया। अब
जो करना है वैसा करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ठीक है वैसे आपको करना है। तो पीछे की वीडियो का हमको करना है डिलीट, फिर ये एक और पीछे की वीडियो है इसको भी हमको करना है डिलीट, और सिर्फ नहीं आगे वाली वीडियो इसको हमें कर लेना है एक्सपोर्ट यहाँ से ठीक है। और जब तक एक्सपोर्ट होती है तब तक मैं आपको बता दूँगी भाई अल्ट्रा ग्लो इफेक्ट की जो वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना, और समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना मैं वापस से एक वीडियो बना दूँगा ठीक है। फिर हम यहाँ पर यह ऑप्शन है ना एरो का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो कितना हम डिलीट वो वापस आ जाएगी ठीक है। तो उन दोनों वीडियो को हमको वापस लेकर आना है, और जो अभी हम कितने एक्सपोर्ट उसको कर देना डिलीट ठीक है, और आगे की वीडियो को भी कर देना डिलीट, और सिर्फ पीछे वाली वीडियो ठीक है, आगे और पीछे वाली वीडियो को ही हमें करना है एक्सपोर्ट। तो आगे की तो हमने कर दी, और ये पीछे की जो वीडियो है इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट, लेकिन जो एक्स्ट्रा भाग जो है ना भाई ये पीछे जो वापस कैरेक्टर में मुड़ रहा है एक्स्ट्रा भाग को भी हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देंगे, छोटी कर देंगे थोड़ी और इसको, क्योंकि ये वापस हमारा कैरेक्टर मुड़ रहा था तो अच्छी नहीं लगेगी। हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, मतलब मैं यार मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, आप भी एक्सपोर्ट कर लेना ऐसे, और इसको हम वापस ऐसे बड़ा कर देंगे। और ये देखो ये जहाँ पर हमारा हेड लग रहा है ठीक है, इस वाली वीडियो क्लिप को रखेंगे, और आगे भी चेक वीडियो है जिसको कर देंगे डिलीट, और ये जो हेड लग रहा है ना भाई इस वीडियो के ऊपर हम क्लिक करके स्पीड में आएंगे ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको ये स्पीड, ये वाले इस स्पीड में आके इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देंगे ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 1.5 स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे तो हेड का जो सीन है वो एकदम गोड लेवल हो जाएगा। ये रही है स्पीड, इसकी में आके कम को करना है ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसको यहीं पर छोड़ देना है, मिनिमाइज़ कर देना है अपने इस ऐप को, कर देना है हमको मिनिमाइज़, जैसे मैं कर रहा हूँ। मिनिमाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तो सेव ही रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, नाम है वो उसको, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और उसको कर लेना है हमको डाउनलोड करना है, पहले आपको इसको करना है डाउनलोड फिर करना है इंस्टॉल। तो मैं डाउनलोड किया हुआ तो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल, ढूंढता हूँ जरा उस ऐप को कहाँ पर मिलेगा वो ऐप मुझे, वी नाम है वो उसको, नाम है तो वी से शुरू होगा उसका नाम, तो भाई ये रहा यहाँ पर वो उसके ऐप को ओपन मतलब इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करते ही मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके अंदर लॉगिन करना है ठीक है। लॉगिन करने का प्रोसेस तो भाई बहुत आसान होता है, आप आराम से लॉगिन कर लोगे किसी भी ऐप से आप लॉगिन कर लेना। तो पहले इसके होते थे हमने देता है इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने के बाद मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर ठीक है। लॉगिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग तो भाई लेजेंड हो गए भाई, प्रो हो गए आप लोग, तो लॉगिन करने में आराम से लॉगिन कर लोगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से पहले लॉगिन करूँगा, इसको हटा के इसको लेने देता हूँ, यहाँ पर नेट ऑन करता हूँ और वो उसके ऐप को ओपन करता हूँ यहाँ से ठीक है। ओपन करने के बाद जो भी लॉगिन का प्रोसेस है वो मैं फटाफट यहाँ पर निपटा लेता हूँ। आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो यार, क्या बोल रहे हैं अभी, लॉगिन कहीं से भी कर सकते हो आप, मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत मुश्किल होगी तो आप YouTube से जाकर सीख लेना कैसे लॉगिन करते हैं इस ऐप के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी वीडियो रहेंगे, आप सीख लेना आराम से। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, रुको काम गया, इस तरह का इंटरफेस आएगा, और हमें यहाँ पर क्लिक करना है इंपोर्ट पर ठीक है। जो दिख रहा है ना इंपोर्ट प्लस वाला आइकन, इस इंपोर्ट वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है वीडियो के ऑप्शन में, और आपकी जो वीडियो होगी जो दो वीडियो हमने एक्सपोर्ट की थी उन दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना ठीक है। तो मैं पहले वाले वीडियो को करता हूँ इंपोर्ट, वीडियो को ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है। तो ये हमारी वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है, और अब वापस हमें जाना है वीडियोस में, और इंपोर्ट में क्लिक करके दूसरे वाले वीडियो जो है उसको भी हमें यहाँ पर कर लेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद हमें पहले वाले वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, ये ब्लैक वाला जो है ना सर्कल, देखो ये वाला, इस ब्लैक वाले सर्कल के ऊपर क्लिक करके ये वाला देखो ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ठीक है। पहले वीडियो को क्लिक करना है तो ये वाला सर्कल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा स्पीड, ये देखो ये साइड में स्पीड, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इसकी स्पीड को कम कर देना आपके हिसाब से ठीक है। जितना आपको स्मूथ स्लो मोशन चाहिए आप उतना कर लेना, तो मैं कम करता हूँ ज़रा। ये क्या भाई, ये ऑटो बैक हो गया भाई, देख कहता ना मेरा फ़ोन बहुत लो डिवाइस है, लेकिन फिर भी मैं वापस आना तो वापस आओगे तो हो जाएगा। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और टूल्स में आता हूँ, और टूल्स फिर स्पीड में आता हूँ, और इसकी स्पीड
कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जितना मुझे स्लो मोशन चाहिए उतना कर लेता हूँ स्पीड को। वो ये स्पीड स्लो कर दी है मैंने, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को कर लूँगा एक्सपोर्ट। रुको जरा, स्पीड को बिल्कुल कम कर देता हूँ ताकि एकदम स्मूथ स्लो मोशन लगे। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और सेव एंड पोस्ट को पे क्लिक करना। ठीक है, सेव एंड पोस्ट को पे क्लिक करोगे तो ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। और देखो भाई कितनी फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है, देख रहे हो भाई कितनी फास्ट तरीके से। वैसे आपके फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगी, पहले तो भाई एक घंटा लगता था, लेकिन अब देखो कितनी फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है और एकदम स्मूथ स्लो मोशन लगेगा। और अगर आपको अल्ट्रा स्मूथ चाहिए तो आप इसी वीडियो को एक बार फिर से यहाँ पर लेकर आकर फिर आप ऐसा ही प्रोसेस करोगे तो आपका डबल स्लो मोशन हो जाएगा। तो स्लो मोशन ऐड करने के बाद आपको वापस काइन मास्टर के अंदर आना है, जो हमारा प्रोजेक्ट था वही वाला प्रोजेक्ट के अंदर आना आपको आना है। और मैं दिखाता हूँ क्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो लेयर है ना, इसके आगे तो हमें लगानी है इसके आगे वाली लेयर और पीछे लगानी है पीछे वाली लेयर। ठीक है, जो हमने दोनों वीडियो के अंदर मैंने स्लो मोशन लगाया था, मैंने आपको एक बताया, लेकिन मैंने दोनों वीडियो के अंदर लगा लिया स्लो मोशन, आप भी दोनों के अंदर लगा लेना। तो ये आगे वाली डाल दी मैंने और ये पीछे वाली। ठीक है, दोनों में स्लो मोशन लगा दिया है मैंने। और अब स्लो मोशन लगाने के बाद देखो क्या दिख रही है मेरी वीडियो। और इसके अंदर तो लगा दिया मैंने अल्ट्रा ग्लो इफेक्ट, वो अल्ट्रा ग्लो इफेक्ट की वीडियो यार आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाकर देख लेना। समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर बना दूंगा ये वीडियो। तो देखो कितनी स्मूथ स्लो मोशन लग रहा है। अब बात करते हैं कस्टम की। ठीक है, लेकिन कस्टम से पहले यार उसको हम इसके अंदर वो लगाएंगे ऑडियो। ऑडियो भी बहुत ज़रूरी है भाई, वरना ऑडियो में तो हमारे वीडियो का मत कोई वीडियो की जो है ना जिंदगी झंडो के, तो मैं जाता हूँ ऑडियो में फोल्डर्स में। अगर आपको ऑडियो भी चाहिए तो भाई आप कमेंट कर दो, मैं ऑडियो की लिंक भी दे दूँगा, कमेंट करने के बाद दूँगा। ठीक है, पहले दूँगा आपको, पहले कमेंट कर दो फिर दूँगा, वरना मैं नहीं दूँगा यार। वैसे ऐसे ही डाल दूँगा और कोई डाउनलोड नहीं करेगा तो भाई मेरे तो ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये मैंने ऑडियो का लिंक क्या भाई क्या पाते हम, यहाँ पर मैंने अपना ऑडियो जो है यहाँ पर मैंने ऑडियो डाल दिया है। और ये सबकी ये जो वीडियो इन सबकी मैंने वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो कर दी, देखो सबकी वॉल्यूम मैंने ज़ीरो कर दी। आप पहले ही कर लेना, अभी मत करना, इन सबकी वॉल्यूम पहले ही कर देना ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ऑडियो लगाए तो भाई इन सबकी आवाज़ तो धीरे करनी ही पड़ेगी ना भाई म्यूज़िक लगाने के बाद। तो अब हमारा म्यूज़िक सुनता हूँ ज़रा कैसा लग रहा है। तो यार कुछ बैठ नहीं रहा है, तो मैं इसको बिठाने के लिए मैं अब ये जो है ना ये बीट से हेडशॉट मिलाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा हेड पड़ता है वहीं अपनी बीट को रखूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर इस ऑप्शन से इस आगे वाले ऑडियो को कट कर देता हूँ और बीट से बीट मिलाऊंगा। देखो हमारी बीट जो है यहाँ से शुरू हो रही है, हाँ यहीं से शुरू हो रही है हमारी बीट। तो देखता हूँ हेडशॉट यहाँ लगा है हेडशॉट हमारा, तो मैं इस बीट को यहीं पर रखूँगा। और देखो जरा चलने तो ये बीट यहाँ पर आई और यहाँ से मैं ऑडियो का कैसे कट करूँगा। ठीक है, ऐसे कट किया और रुको, कट करने के बाद इस ऑडियो को मैं जहाँ पर बीट हमारी जो बीट है बीट के पास ले आऊँगा। ठीक है, नहीं जहाँ पर हमारा हेडशॉट को जहाँ पर हम हेडशॉट लगाए वहीं ले आऊँगा। तो आगे किसका दिया मैंने, अब ये हमारी बीट से हेडशॉट मिल चुका है, हेडशॉट से बीट मिल चुकी है, दोनों आपस में मिल चुके हैं। तो अभी एकदम नेक्स्ट लेवल लगेगा, तो आप पहले इसकी ऑडियो सुन लो। देखा भाई कितनी गोट लेवल की लगी है हमारी ये जो बीट से बीट मिलने वाली है। और इसका जो ग्लो इफेक्ट है वो आपको इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना। अब बात करते हैं कस्टम की। ठीक है, तो भाई कस्टम मैंने बनाया था लेकिन कोई आया नहीं भाई। मैंने कस्टम बनाया था 12 बजे, ठीक है, संडे को 12 बजे मैंने कस्टम बना दिया था और 12:20 तक मैं रुका रहा, लेकिन कोई नहीं आया, कोई आया नहीं कस्टम खेलने के लिए। भाई इतना भी क्या बेइज्जती कर दी भाई आप लोगों ने मेरी यार। मैंने कस्टम का पासवर्ड और कस्टम की आईडी उस वीडियो के कमेंट के अंदर डाल दी थी भाई 12 बजे, लेकिन कोई देखने के लिए आया नहीं। तो भाई समझ रहे हो भाई क्या ही बीती होगी मेरे ऊपर। तो अगला कस्टम कब बनाऊँ आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखो।